तत्स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी ने द्वादश ग्रंथ शिव कृपा से रचे। श्री अयोध्या जी में जन्म की तिथि सबको पता है, यही श्रावण शुक्ला सप्तमी, आज सप्तमी है पंचमी है, आज क्या है, है? सप्तमी है। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी आज ही के दिन पूज्यपाद गोस्वामी जी का अवतरण हुआ। महापुरुषों का जीवन अभाव में ही बीतता है, स्वागत है आपका। अशोक भैया चेन्नई से पधारे हैं और बहुत पहले आपके पूज्य पिताजी ने श्री राम कथा कराई थी, ऐसे ही लखनऊ कथा सुनने के लिए पधार गए। तो प्रातस्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी के जीवन के बारे में अनेक कथाएं हैं, अनेक व्यवहार हैं। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने भी अद्भुत शोध प्रस्तुत किया है। गीता प्रेस जी ने जो मानस में लिखा है उसके अनुसार अभुक्त मूल नक्षत्र था, इसलिए जो कुछ भी अच्छा होना था सब टेढ़ा हो गया। हर इच्छा भावी बलवाना, जो जो होता है सब हुआ, जो हुआ वही होना था। बचपन अभाव में बीता इसलिए स्वभाव में भगवत निष्ठा दृढ़ हो गई। हो भाई फलीभूत भाई, माता पिता का साथ छूटा, चुनिया दासी ने पालन पोषण किया, फिर मां अन्नपूर्णा की कृपा भई काशी में। गुरुदेव भगवान प्रातस्मरणी स्वामी नरहरियानंद जी महाराज ने राम भोला को उठाया, गोद में बिठाया और शिक्षा संपन्न कराई। पहाड़ जब टूट कर गिरता है और धीरे धीरे अलकनंदा के चोट खाते 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 हरिद्वार ऋषिकेश में आते आते शिव बाबा बन जाता है। दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। आई भगवान शिव ने माँ भगवती ने दर्शन देकर काशी जी में कहा कि बाप श्री धाम अयोध्या जी जाओ और हिंदी में ग्राम्य भाषा में राम जी के चरित्र का लेखन करो। एक ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो श्री रामचरित मानस जी जैसी मान्यता प्राप्त किया हो, ऐसा अलौकिक ग्रंथ। संवत 1631 में श्री राम नवमी के पावन पर्व पर पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्रीधाम अयोध्या जी में बैठकर श्री रामचरितमानस की रचना की। फिर बाह में दर्द हुआ तो हनुमान बाहु की रचना की, श्री हनुमान जी की आज्ञा से विनय पत्रिका की रचना की,
फिर तो दोहावली कवितावली श्री राम लला नहचू श्री जानकी मंगल वैराग्य संदीपनी आदि आदि गीतावली अनेक ग्रंथ यानी द्वादश पर्यंत कई जो लोग इधर उधर भी पा लेते हैं सब गोस्वामी जी ने, वो समय बड़ा विकट था रचना हुई। वस्तुतः एक महापुरुष की तपस्या हमारे लिए वरदान हो गई। हम उसका स्मरण करते हैं जिसने कुछ समाज के लिए तप करके छोड़ा दिया है। हमारे आप में से शायद ही किसी को अपने दादा परदादा पिता प्रपिता प्र प्रपिता का नाम स्मरण हो। लेकिन महापुरुषों को चाहे जैसो हम भूलते नहीं हैं, स्मरण रखते हैं, गाते हैं। ऋषियों को हम गाते हैं, स्मरते हैं, और तभी हम ऋषि ऋण से उऋण हो पाते हैं। ये न समझना होगा कि गोस्वामी जी ने बस लिख पढ़ लिया और ग्रंथ बन गए, नहीं बने। पूज्यपाद गोस्वामी जी के सारे ग्रंथ कृपा प्राप्त हैं, कृपा प्राप्त है, भगवान शिव अन्नपूर्णा की कृपा है। एक बार पढ़िए फिर अनेक बार पढ़िए। श्री हनुमान चालीसा जी के बाद अनेक चालीसाएं बनी साहब, आप लोग पढ़ते भी होंगे। शिव चालीसा है, शक्ति चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, शंभु चालीसा है, आजकल तो कथावाचकों की चालीसा हो गई, कुछ दिन बाद प्रेमभूषण चालीसा हो जाएगी। श्रद्धा ऐसी भी ना हो कि हमको भक्ति पथ से भटका के अटका दे, ये श्रद्धा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। स्तुति वंदना भगवान की करनी चाहिए, जीव की नहीं। जीव स्वीकारी है और भगवान निर्विकारी। स्तुति जीव की न करो, स्तुति भगवान की करो। भगवान ही स्तुत्य है। गोस्वामी जी अपना नहीं कहते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सर। हर ग्रंथ में शिव कृपा की प्राप्ति है। तो आज बाबा के सर चरणों में हम लोग अपनी अपनी श्रद्धा अर्पित करें। हमारे मित्रों ने भी प्रातः काल कुछ बैठ करके मोती बटोरे हैं, अब थोड़ा बिखेरेंगे। ये तो सिद्ध हैं, इनको तो कोई बात नहीं। जय जय। तो संजीव भैया आप वेद मति सोधि 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 के पुराण सब संतियो असंतन को भेद को बताव तो कपटी कुराही क्रूर कली के कुचाली जीव कौन राम नाम हो कुछ चर्चा चलाव तो बेनी कभी कहे मानो मानो प्रतीत यह पाहन ही ये में कौन प्रेम रूप जब तो भारी भवसागर उतार तो कवन पार जो पे यह रामायण तुलसी नगाव तो
जो पे यह रामायण तुलसी न गाव तो, जो पे यह रामायण तुलसी न गाव तो। दक्ष साहब गई बस, दक्ष साहब सुना रहे हैं बहुत अद्भुत। दुर्दिन में हमें तुलसी आधार मिल गए, दुर्दिन में हमें तुलसी आधार मिल गए, आधार मिल गए, बहती हुई नैया के पतवार मिल गए, डूब रहा भारत इस्लाम सिंधु में, डूब रहा भारत इस्लाम सिंधु में, इस्लाम सिंधु में डूब रहा भारत इस्लाम सिंधु में, बनकर महान माझी मझधार मिल गए, बनकर महान माझी मझधार मिल गए, दुर्दिन में हमें तुलसी आधार मिल गए, हुई नौका के पतवार मिल गए, भारत की देवियों की थी लाज लुट रही, भारत की देवियों की थी लाज लुट रही, भारत की देवियों की थी लाज लुट रही, लाज लुट रही, करने को द्रौपदी का उपकार मिल गए, करने को द्रौपदी का उपकार मिल गए, दुर्दिन में हमें तुलसी आधार मिल गए, आधार मिल गए, बहती हुई नौका के पतवार मिल गए, धर्म के लिए सुनकर रुदन तुम्हारा निज धर्म के लिए, लेकर महेश मानस उपहार मिल गए, लेकर महेश मानस उपहार मिल गए, दुर्दिन में हमें तुलसी आधार मिल गए, आधार मिल गए, बहती हुई नौका।
शरीर संबंध परिवार गांव समाज देश विश्व मुंह देखी बोलने से समाप्त हो जाता है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, है ना। कथावाचक भी वही बताते हैं सुनाते हैं जो आपको अच्छा लगे।